हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल आज मैं आपकी जो वीडियो आ रहा हूं देखिए हिडन शेयर एक छुपा हुआ शेयर मैं इसको कहता हूं एक नजर देखो इस शेयर को वैल्यू आप अपने आप समझ जाओगे लेकिन वैल्यू समझने के बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कब शेयर को खरीदे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत सारे छोटे निवेशकों को परेशान करके रखता है कि कब शेयर को खरीदे कब शेयर को बेचे उसी के लिए हमने आपके लिए पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज बना रखी है आप देखिए उसको समझिए उसको और अगर समझ नहीं आता तो हम आपके सामने बैठे हैं और अब इस स्टॉक के बारे में देखते हैं बात करते हैं फिर आपको रियल वैल्यू पता लगेगी और एंट्री एग्जिट का भी पता लगेगा आपको डिटेल में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया बेलाकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अब जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से देखना इस स्टॉक का नाम यहां पे है बालाजी अमाइंस लिमिटेड छोटा सा शेयर है छुपा हुआ शेयर मल्टी बैगर ऐसे ही शेयर बनते हैं ऐसा नहीं कि भाई जो बड़े शेयर हैं वो आपको कई गुना रिटर्न दे रहे छोटे छोटे, छोटे शेयर्स मल्टी बैगर शेयर बनते हैं लेकिन इन शेयर में वैल्यू को पहचानना होता है प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट चाहिए होती है साथ में रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए होता है ये सारी चीजें आपको तसल्ली से करनी चाहिए क्योंकि छोटे शेयर है भाई अब वैल्यू को देखोगे देखिए सत्रह करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पांच का प्राइस है और पच्चीस का प्रॉफिट ग्रोथ तेरह का सेल्स ग्रोथ अमेजिंग वैल्यू देखिए अब आप 200 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के नौ करोड़ तक गया है और देखिए तेरह करोड़ से 130 120 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जा चुका है लेकिन ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री का मालिक है ये मान के चलिए अमाइंस और अमाइंस डेरिवेटिव में स्पेशलिटी केमिकल भाई खतरनाक शेयर जब भी बात आती है अमाइंस अमाइन डेरिवेटिव की तो भाई लीडर क्या हो गया अब इसको बालाजी अमाइंस को इस स्टॉक के बारे में हमने बात करी थी आज नहीं आपको यकीन नहीं होगा इस स्टॉक के बारे में जब हमने बात करी थी और पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था ये वीडियो है जून 21 का इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वीडियो को जरूर देखना अगर आप आज का वीडियो देख रहे हो तो पहले इस वीडियो को आखिरी तक देखना और समझना क्यों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट बातें बताई है सारी इंपॉर्टेंट बात बातें बताई है उसके अलावा उसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ शेयर किया गया था एंट्री का तब ये चार सौ पे ट्रेड कर रहा था और पूरे के पूरे स्टॉप लॉस पूरे एंट्री

समझना इसको जरूर अभी मैं फिर से आपको डिटेल में बताऊंगा और इसकी करंट स्टेट में क्या है उसको बताने की कोशिश करूंगा तो हो गया अरे वाह मजा आ गया तो शहर और बहुत सारे लोगों ने इसमें ऑलरेडी जो हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ खूब पैसे इसमें कमाए हैं स्टॉक में अब ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप इसको देखोगे तो आप कहोगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने नजरें बनाई हुई है इसमें ऑलरेडी और रिटेल निवेशकों की अगर बात करें तो रिटेल निवेशक बहुत ही मैं कहूंगा यहाँ पे रिटेल निवेशक कितने पंद्रह हजार मात्र रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है लेकिन इक्कीस की होल्डिंग रिटेल निवेशकों के पास यहाँ पे है अभी इस शेयर को हम लेके तो आए अब मैं मेन चीज जो आपको बताने की कोशिश करूंगा उसको ध्यान से देखना ये स्टॉक का वीडियो हमने बताया था आपको इक्कीस जून को इक्कीस जून का प्राइस आप देखिए ये लेवल था उस टाइम पे इक्कीस आठ जून ये इक्कीस जून वाला वीक ये लेवल चल रहा था वहां पे अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो 400 के आसपास का प्राइस था और ये वीडियो आपके लिए क्यों क्रिएट किया गया था उस टाइम पे ये वीडियो क्रिएट इसलिए किया गया था कि 200 के लेवल से स्टॉक गया है 500 के आसपास अब करेक्शन आई है और ये करेक्शन ये स्टॉक जो है सो गया था सो के जाग रहा है और जाग के कभी भी भाग सकता है इसीलिए आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया था उस टाइम पे 21 जून को अगर अगर आपने नहीं देखा इसीलिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दूंगा आपको और जरूर देखे हूं देखिए मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से जैसे कि पहले भी हमने बताया और फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होती है इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए देखिए हायर लो लोअर हाई अगर आप देखो लोअर हाई लोअर लो आपको बनते हुए दिख रहे हैं और करेक्शन आए ये पॉइंट इसका बॉटम पॉइंट फिर से तेजी आई लेकिन इस बार जब मार्च के महीने में करेक्शन है तो पुराने बॉटम के आसपास ही इसने सपोर्ट ले लिया बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही पॉजिटिव बात है लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि जब गिरता है ना शेयर तो खरीदने का आपका मन नहीं करेगा शेयर को क्यों नहीं भी करना चाहिए क्योंकि जब तक डाउन ट्रेंड में है तब तक चीजें रिवर्स नहीं हुई है जब तक रिवर्स नहीं हुई है तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब कॉन्फिडेंस आता है जब चीजें आपके वापस हो रही है और इंपॉर्टेंट लेवल काफी चार सौ अस्सी का जो पार हो चुका है अब ये बड़ी कैंडल वीक की ये छोटी कैंडल ये मंथली है वीक नहीं मंथली है मतलब क्या करेक्शन था करेक्शन रिजोल्व हुआ है करेक्शन रिजोल्व होने के बाद की तेजी अमेजिंग भाई अब मैं इसको पूरा का पूरा इरेज करता हूं और काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने दिखाता हूँ पे इस बड़ी कैंडल को देखिए और इस छोटे कैंडल को देखिए वट इज दिस हमारे मेंबर्स इसको कहते हैं लायंस अटैक लायंस अटैक इसको कहते हैं और लायंस अटैक की सीरीज देखिए कहां तक गया है देखिए जरा इसका एंट्री पॉइंट आप देखोगे तो 340 330 के आसपास और एग्जिट पॉइंट आप देखिए बीच में भी एग्जिट ले सकते हो क्या रिटर्न दिया है उसी तरीके से सिचुएशन मंथली पे देखने को मिली अब देखिए कभी भी किसी स्टॉक को भी अगर आपको एनालाइज करना है तो बिल्कुल बारीकी से उसको समझना है कैसे समझना है कि भैया आपकी तेजी जो आई थी वो रिजोल्व जो तेजी के बाद जो करेक्शन आया है जो पानी पीने के लिए डिप मारा है वो रिजोल्व हुआ या नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट लेवल 480 का भाई देखिए स्टॉक में कितनी तेजी अब इस करेक्शन को देखिए करेक्शन के बाद पिछले वीडियो को भी अगर आप देखोगे तो आपको 360 का स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस पहले इंपॉर्टेंट है बिना रिस्क मैनेजमेंट के आपको चीजें नहीं एंटर करनी रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग मैं कहूंगा स्टॉक मार्केट में जिस दिन आप रिस्क मैनेजमेंट करने लगे उस दिन आप बहुत ही सही चीज काम करने लगे शेयर मार्केट में क्योंकि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन in बड़े बड़े बड़ी बड़ी इस बात को कहती है तो कुछ गलत तो नहीं कहते क्योंकि मार्केट डायनेमिक है आप सोचोगे ऊपर जा रही है मार्केट नीचे चलेगी फिर क्या करोगे अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए ना तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है इसको मैं हर वीडियो में इसके ऊपर फोकस करता हूँ ताकि मैक्सिमम रिटेल इसका फायदा ले पाए। अब देखिए पे जो करेक्शन चल रही थी उसका मेन रिजोल्यूशन का टाइम था 420 का ये रिजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट था और ये रिजोल्यूशन हुआ 420 अब ये डिपेंड करता है देखिए रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन किस तरीके की है आप एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप सौ लोगों को सेम तरीके की लर्निंग है कि करेक्शन रिजोल्यूशन रेजोल्यूशन करेंगे तो अलग अलग एंट्रीज हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को रेगुलर बेसिस पर कोई लोग अर्ली एंट्री ले लेते हैं कई लोग कंप्लीट रिजोल्यूशन के बाद एंट्री लेते हैं तो वो डिवेरी कर सकती है आपके लर्निंग के हिसाब से अब ये इंपॉर्टेंट है वीकली को देखो अब वीकली की करेक्शन रिजोल्यूशन के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके समझ सकते हो उसको चलिए डेली पे समझने की कोशिश करते हैं कि कब करेक्शन रिजोल्व हुई अब आप देखिए डेली कितनी बड़ी करेक्शन लग रही है आपको लेकिन कहा ट्वेंटी फिफ्टी ए एम ने साफ साफ कह दिया कि भैया हम बहुत हैं यहाँ पे हम नीचे नहीं जाने देंगे हम यहीं पे रोक देंगे इसको अब देखिए सर अब करेक्शन रेजोल्यूशन जब 21 जून को हमने यहाँ पे वीडियो क्रिएट किया था तो वो डेट कौन सी थी देखिए 20 जून 21 जून ये वीडियो क्रिएट किया गया था इस वाली डेट के दिन जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट इन दो डेट के दिन 400 के लेवल पे था ये फोर का लेवल उस टाइम पे था और ये हमें दिख रहा था कि हाँ बहुत ही जल्दी करेक्शन रिजोल्यूशन हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट लेवल 420 का इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए के थी एंट्री का बहुत बढ़िया मौका यहां पे मिल सकता है लेकिन ये जो बड़ी लेवल है इसके आसपास हमको क्या चाहिए पुल बैक काइंड ऑफ चीज चाहिए कंसॉलिडेशन चाहिए इसको पार करने के लिए और बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन यहां पे देखने को मिले और टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स अगर इस वीडियो को देख पा रहे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेंज कॉन्ट्रेक्शन उसके साथ देखिए क्या ब्रेकआउट के नियर हम बार बार कहते हैं कंसोलिडेशन 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 नियर पुल बैक और पुल बैक अब देखिए उसके बाद पुल बैक भी हुआ है बहुत ही अच्छी बात सम्मानजनक कहते हैं इसको देखिए ये सम्मान देखिए कितना बढ़िया सम्मान मिला पुल बैक इसके हुआ है और उसके बाद आज की तेजी काबिल तारीफ और कहाँ गया शेयर 560 के लेवल पे एंट्री कब करी आपने यहाँ पे जब ये रिजॉल्व हुआ था 400 के लेवल पे कब करी 20 21 22 जून के आसपास अगर यहाँ पे नहीं करी तो मान लीजिए 440 पे करी आप कितना है 540 सौ सौ रुपये पर शेयर की कमाई कितने दिन के अंदर वो भी मात्र सात छः सात ट्रेडिंग सेशंस पे वो भी बिना रिस्क के साथ अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती तो आपका रिस्क बहुत ही कम होता तीन सौ साठ के आसपास चालीस रुपए का रिस्क और गेन देखिए कितना सोचिए एक सौ साठ रुपए का गेन चार गुना रिस्क रिवॉर्ड और क्या चाहिए यही बेसिक बारीक चीजें हम टेक्निकल एनालिसिस में सिखाया करते हैं कभी भी किसी को एंट्री पॉइंट नहीं बताते अब आपको ये क्यों नहीं बताते भाई जब एंट्री पॉइंट ही पता लग जाएगा तो लर्निंग का क्या लर्न तभी तो करेंगे जब यहाँ पे सीखेंगे एक एक चीज स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट कहाँ लगाना है वो डिपेंड करता है आपके ट्रेड के ऊपर की किस तरीके की आप ट्रेड ले रहे हो आप मंथली वीकली डेली या इंट्रा स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से वेरी करता है जब भी मंथली और बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी नीचे होता है तो क्वांटिटीज़ को कम कर लें क्वांटिटीज़ कम करने से क्या होगा आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा अब होता है क्या है कि अब आपको गैर फिर तो प्रॉफिट भी कम होगा वो तो आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर है जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा आप क्वांटिटीज बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं फिर आपको डर कम लगेगा और लॉस भी कम होगा तो ये इंपॉर्टेंट चीज है देखिए ये हमने एक छोटे से वीडियो को कवर करने की कोशिश करी और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं और रिटेल इन्वेस्टर जनरली देखिए इन चीज़ों से दूर भागते हैं लेकिन हम चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर इन चीजों से दूर ना भागे बिल्कुल भी ना भागे इन चीजों से दूर ये काफी इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के लिए और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव से शेयर मार्केट में बना रहना चाहते हो क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कुछ लॉस होता है चले जाते हैं क्यों क्योंकि लर्निंग को प्रायोरिटी नहीं देते अर्निंग को प्रायोरिटी देते हैं और हमारा मानना है कि प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू लर्निंग वाइंड अप करता हूं वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल चेनल्सक्राइब करो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप शिप जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो